हेलो वीवर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे लैटिन बोरोइंग्स के बारे में सो द लैटिन बोरोइंग्स इज इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड वेरी डिमांडेड टॉपिक एंड आई हैड बीन गेटिंग रेगुलर रिक्वेस्ट फॉर दिस टॉपिक सो आई मेड इट तो लैटिन बोरोइंग्स का अच्छा खासा प्रभाव रहा है हमारे इंग्लिश uh, लैंग्वेज पर तो आइए बात करते हैं दे हैड बिन इन कॉन्टैक्ट विथ द सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड हैड रिजल्टेड इन बोइंग्स लाइक स्ट्रीट वाइन बटर पेपर चीज़ सिल्क पाउंड माइल मिन्ट एट्सट्रा यानी लैटिन के बहुत सारे शब्द हमारी अंग्रेजी भाषा में आई है तो क्योंकि वो जो जर्मैनिक लोग आए हुए थे एंग्लो सैक्सन जो थे वे लोग जर्म इटली की सभ्यता जो थी रोम के कांटेक्ट में बहुत दिनों तक रहे थे इन्होंने बहुत सारे शब्द ऐसे लाए जैसे कि स्ट्रीट शब्द जो है जिसका अर्थ गलियारा या सड़क होता है वाइन वाइन बटर पेपर चीज सिल्क पाउंड माइल मिंट एट्सेट्रा ये सारे शब्द जो है इंग्लिश की वॉकेबुलरी में शामिल हो गए द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी टू इंग्लैंड ब्राउट विथ इनमरेबल लैटिन टर्म्स वर्ल्ड लाइक द वर्ड्स लाइक द मिनिस्टर मॉन्क बैशअप मास चर्च फाउंड देर वे इनटू इंग्लिश वाकेबलरी और जो ही क्रिश्चनिटी की शुरुआत हुई इंग्लैंड में तो भी बहुत सारे वर्ड नए उसमें आए जैसे मॉन्क शब्द हो गया बैशअप मास चर्च फाउंड देयर वे इंटू इंग्लिश वाकेबलरी ये सब अंग्रेजी वॉकेबलरी में शामिल हो गए आगे बात करें द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैटिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ लैटिन लर्निंग एंड साइंस चूंकि लोग लैटिन भाषा का अध्ययन भी करते थे उस समय और साइंस जो थी उस समय में लैटिन भाषा में उपलब्धि साइंस की किताबें यही कारण रहा कि इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा था अंग्रेजी भाषा पर द नेम्स ऑफ मेरी हीरोज एंड ट्रीज वर दस रिसीव इन टू इंग्लिश फ्रॉम लैटिन यानी अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे नाम आए जो कि लैटिन शब्द से ही अडॉप्ट किए गए थे ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड और कहा जाए तो एक तरीके से ओल्ड इंग्लिश पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था लैटिन वर्ड्स का लैटिन बॉर का और इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान लैटिन हेड बिकम लैटिन हैड कम टू इन रीच द इंग्लिश बाय द मेनी ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन कंपाउंड वर्ड्स बहुत सारे लैटिन कंपाउंड वर्ड्स को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बदल दिया गया ड्यूरिंग द मिडल इंग्लिश पीरियड मिडल इंग्लिश पीरियड के दौरान भी मैनी लैटिन वर्ड्स कुछ लैटिन वर्ड्स जैसे कि पॉपर प्रोविजो इक्विवरेंट लेटमेट इंडेक्स सिमली मोमेंटो डायोसिज मैरिएटर्स कलेक्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड ऐसे बहुत सारे वर्ड जो है इसमें शामिल हुए लैटिन कल्चर हैड इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री यानी पूरे इतिहास में अंग्रेजी भाषा को या अंग्रेजी साहित्य को अंग्रेजी संस्कृति को प्रभावित किया है लैटिन कल्चर ने लैटिन लैंग्वेज ने लैटिन सिविलाइजेशन ने विथ मैनी फ्लक्चुएशंस बहुत सारे इसमें बदलाव लाए द मीडिएवल लैटिन फ्रॉम विच मेनी वर्ड्स वर बोरोड इन टू इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय द एल एजी एंड लर्न मेस ऑफ द कंट्री यानी बहुत सारा कह सकते वर्ड आकर जो एक तरीके से एक बहुत एक बड़ा संग्रह हो गया था लैटिन वर्ड्स का ड्यूरिंग सेंचुरी यानी 16वीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच यानी मॉडर्न इंग्लिश में कह सकते हैं इट वॉज द यूजल प्रैक्टिस टू राइट साइंटिफिक एंड फिलासफिकल वर्कस इन लैटिन यानी एक प्रैक्टिस बन चुकी थी उस टाइम भी जो है इसको लिखा जाता था लैटिन भाषा में साइंस को या फिर कोई फिलोसफिकल वर्क को द प्रैक्टिस ऑफ क्वाइनिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम लैटिन एलिमेंट्स फॉर एक्सप्रेसिंग टेक्निकल और साइंटिफिक आइडियाज़ हैज बिन कंटिन्यूड इन टू मॉडर्न टाइम्स यानी आज तक भी लैटिन वर्ड्स जो है अडोप्ट किए जाते हैं एक लैटिन भाषा से अंग्रेजी शब्द में बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं द राइटर्स ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी के जो राइटर्स थे यूज्ड लैटिन वर्ड्स इन देयर वर्क्स यानी लैटिन वर्ड्स का प्रयोग किया उन्होंने सेवनटीन सेंचुरी के पोइट्स uh, ने अपने वर्क्स में लैटिन शब्द का प्रयोग किया द राइटिंग ऑफ द राइटिंग ऑफ मिल्टन सर मिल्टन हो गए आपके एंड सर टोमस ब्राउन हो गए सीम वेरी फुल ऑफ लैटिन टर्म्स उन्होंने बहुत सारे लैटिन टर्म्स का प्रयोग किया यानी जॉन मिल्टन और सर टोमस ब्राउन ने एमॉन्ग द लैटिन वर्ड्स द वर्ड्स लाइक जैसे एग्जिट जीनियस एरिया फंगस माइजर सर्कस वैक्यूम मीडियम इग्नोरेंसिस हंगरी एंड अदर वर्ड इंट्रोड्यूस्ड और भी बहुत सारे ऐसे शब्द जो है इंट्रोड्यूस किए गए ड्यूरिंग द सिक्सटीन सेंचुरी एंड द सेवनटीन सेंचुरी और सेवनटीन सेंचुरी की बात करें तो लैटिन बोरोइ्स इंक्लूड जैसे टॉर्पोर्स स्पेसिमेंस एरेना अपार्टस फोकस एल्बम कॉम्प्लेक्स मिनिमम स्टेटस लेंस पेंडुलम एट्सेट्रा तो ऐसे सारे बहुत सारे शब्द हैं जो कि लैटिन से बोरो करे गए हैं इंग्लिश वॉकेबुलरी को इनरीच करने के लिए समृद्ध बनाने के लिए तो आई होप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी कमेंट्स को जरूर अपने मेरे सामने रखें ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर बना पाऊं धन्यवाद इस छोटे सी वीडियो को देखने के लिए